दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों का खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कैशियर आकाश यादव ने ही अपने भतीजे के साथ मिलकर लूट का मास्टर प्लानिंग की थी। मामला गंज थाना क्षेत्र का है। दरअसल मामले की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने चंद घंटों में लुटेरों को खोज निकाला है। इसके साथ ही झूठी रिपोर्ट के अपराध पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों से 9 लाख बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गंज इलाके के चूना भट्टी के पास दोपहर में 10 लाख रुपए की लूट की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मामले में एक्शन लेते हुए आरोपियों को खोजकर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी आकाश यादव ने लूट की झूठी साजिश रचना स्वीकार किया है। उसने बताया कि अपने भतीजे से लूट की झूठी घटना कराई थी। देखिए, राधा कृष्ण प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो गुढ़ियारी में है, इसका मैं कैशियर था आकाश यादव। उसने सूचना दिया था कि जब वो अपने कंपनी का पैसा लेके जा रहा था 10 लाख रुपए बैंक में जमा कराने के नाम से, तो जो गंज थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे है उसी के नीचे, उसी के बगल में जो साइड रोड है वहीं पे 3 व्यक्ति थे, जो 2 व्यक्ति पहले से वहाँ खड़े थे और एक पीछे से बाइक में आया। इन्होंने उसको डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट करके उसके पैसे को डिक्की से निकाल करके लूट के ले गए हैं। इसमें 10 लाख रुपये की राशि थी। इसमें तुरंत SSP सर के द्वारा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को इसमें लगाया गया था और पतासाजी में लगी हुई थी टीमें। प्रार्थी से भी डिटेल पूछताछ की जा रही थी। इसके अलावा वो कंपनी के ओनर कान्हा से भी पूछताछ की जा रही थी। ACCU की टीम लगातार लगी हुई थी इसमें। रास्ते में जो CCTV फुटेज हैं उसके अध्ययन के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन प्रार्थी के जो कहानी बताई जा रही थी और बाकी घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास के CCTV फुटेज के अवलोकन से और जो प्रार्थी की कहानी थी वो थोड़ी जम नहीं रही थी, तो प्रार्थी पे भी हमको संदेह था शुरू से ही। इसके एक टीम इसमें प्रार्थी से पूछताछ के लिए भी लगी हुई थी और प्रार्थी से जब डिटेल पूछताछ की गई तो रात में इसने फिर अपनी घटना स्वयं करना कबूल किया और इसने बताया कि इसने अपने ही भतीजे जो कि नाबालिग है अभी, उसके साथ में मिलकर घटना की साजिश रची थी। प्रार्थी को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा वगैरह हो गया था, उसके कारण ही इसने ये राशि को हड़पने की योजना बनाई थी और लूट की झूठी कहानी बनाई थी और पुलिस को इसकी लूट की झूठी सूचना दी थी। तो अभी इसमें प्रार्थी के बताए अनुसार जो लूट की रकम थी 10 लाख में से 9 लाख बरामद कर लिया गया है। शेष रकम के संबंध में अभी डिटेल पूछताछ की जा रही है और इसमें जो आकाश यादव जो लूट का प्रार्थी था उसके खिलाफ में हम आगे की वैधानिक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। सर, आरोपी किस चीज का कर्ज लिए हो? नहीं, ये कैशियर का काम करता है और जो उसमें डेवलपर्स का मालिक है राधे कृष्ण, उसका मित्र भी है और ये काफ़ी दिनों से कैशियर का काम करता था और पैसे को लाना ले जाने का काम करता था। पहले इस तरीके की कोई इसकी नीयत खराब नहीं हुई थी। अभी उसको घरेलू उपयोग के लिए इसने कर्ज लिया था और उसी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इसने ये योजना बनाई थी। अभी ज़्यादा पुरानी योजना नहीं बनाई थी। जब कर्ज से परेशान चल रहा था तो कल जब इसको जानकारी मिली कि 10 लाख रुपए वो करना है, तो उसके बाद से ही इसने तात्कालिक योजना बनाई थी। भतीजा रायपुर में था सर? हाँ, भतीजा रायपुर में ही था। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.